आज का महानगर में आपका स्वागत है। फिलहाल राज्य में चुनावी माहौल है। हम बात करेंगे एनसीपी अजित दादा पवार गुट के मुमरा कलवा विधानसभा से कैंडिडेट नजीब मुल्ला की, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं मुमरा कौसा में। तो इनसे हमारे सहयोगी पत्रकार रफीक कामदार ने बात की है। देखिए किन मुद्दों पर नजीब मुल्ला ने अपनी बातें रखी है। नजीब भाई, क्या मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आवाम को जो सहूलत देनी थी, जिसके तहत एक झूठा इफ्तिदा करके आवाम को जो गुमराह किया गया था डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल का, जिसकी वजह से कई पेशेंट को लगा कि हॉस्पिटल की इफ्तिदा हो चुकी है और वो अपने इलाज के लिए लेकर गए थे और वहाँ जो हुआ आप सभी को पता है, आवाम को पता है। तो उस सिलसिले के अंदर हम पहले से पीछे लगे थे प्रशासन की, जल्द से जल्द जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो परमिशन है, आप सर्टिफिकेशन से मशीनरीज के जल्दी करके लीजिए, स्टाफ की भर्ती आप जल्दी रिक्रूट करके लीजिए और हमको इफ्तिदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जल्द से जल्द वो सहूलत को आवाम के लिए मुहैया कराया जाए। और वो सहूलत को मुहैया कराने के लिए जो हम लोग पीछे लगे थे, उस सिलसिले में मेरे को आवाम को आज बहुत खुशी है कि आने वाले 5 तारीख से OPD की शुरुआत होगी, जो प्रशासन ने एक चैनल बनाया है, और उसके बाद में फिर 10 तारीख तक उम्मीद है कि एडमिशन 10 तारीख का टारगेट रखा है। लेटर भी वैसा ही इशू होगा कि 10 तारीख तक पार्टली एडमिशन शुरू करें, जो कैजुअलिटी है जिसको एडमिट रखना है, OPD में तो सिर्फ चेक करके भेजा था, एडमिट करना है, और तकरीबन 20 से 26 तारीख तक फुल फ्लेज जो सहूलत देने के लिए थाने महानगर पालिका के सभागृह और नगर सेवकों ने की कोशिशों से जो मंजूर वेला हॉस्पिटल और उसकी मशीनरीज है, उस चीज़ की सहूलत मुहैया कराई जाएंगी। उस सिलसिले में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि आवाम को कुछ दिनों में राहत मिलेंगी और सहूलत शुरू होगी, क्योंकि हमारी यही सोच थी, खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब की यही सोच थी कि हमें इफ्तिदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसने किया झूठा किया सच्चा किया वो आवाम जाती है, आप आचार संहिता का इंतज़ार मत कीजिए, रेडी हो जाता है तो शुरुआत कीजिए। जी भाई, कहीं ना कहीं एक ऐसी बात जो है वहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों ने मालूम किया, इस उद्घाटन का जो नौटंकी हुई है, दूसरे तमाम वहाँ पर जो है अन्य पार्टियों ने जाकर के विरोध जताया है, उसके बाद हमने वहाँ पर पूछताछ की, तो ऑफ द रिकॉर्ड हमें ऐसा पता चला कि ठाणे मनपा का कौसा का ये हकीम अजमल खान अस्पताल जो है, स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान, तो एक मुस्लिम नाम है, उस वजह से ये ओपनिंग में देरी हो रही है और उसी वजह से ओपनिंग टाली जा रही है, अस्पताल को शुरू नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर अजमल हकीम अजमल खान हॉस्पिटल की इफ्तिदा में कतई नहीं हो सकती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आज तक आवाम को और आपको भी गुमराह करके रखा गया है कि पिछले 2009 से, मैं 9 से हिसाब मांगूंगा जब से हम यहाँ पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे, तो 2009 से अभी तक तकरीबन 1800 करोड़ के ऊपर की रकम कलवा मुमरा ये विधानसभा में दी गई है, और उसके अंदर कभी भी कोई तासुब पना नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम ने, और सभागृह में हमने हमारे ताल्लुकात, हमारे भाषण, हमारा जो वो बार्गेन पावर